सबसे पहले तो यार सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब तुम सब पूछोगे क्यों भाई, मेरे 2 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे, मैं वन पीस पे वीडियोस बनाते हुए आज मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो हाँ यार, ये एक तरह से समझो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हाँ यार, यही बताना था, पर देखो ये 2 साल के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस बनाते बनाते, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी एक ऑडियंस होगी। भले ही छोटी मोटी ऑडियंस है, पर देखने लायक तो कोई ऑडियंस है, कोई मुझे देखता तो है, वीडियोस पे लाइक तो आते हैं। भले ही यूट्यूब पे चिल्लर बटोरता हूँ, पर तुम लोग को बदौलत चिल्लर भी मिलता है, कम से कम देख तो रहे हो। तो हाँ, एक तरह से समझो कि 2 साल कंप्लीट हो गए। इन 2 साल में मैंने कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं है, पर यूट्यूब पे वीडियोस डाल तो रहा हूँ, और हो सकता है आने वाले 3rd ईयर जब कंप्लीट होगा तब तक हमारे आराम से 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। खैर जो भी हो, वो तो वक्त ही बताएगा क्या होता है। लेकिन बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की। पर एक मिनट, मेरे पास तुम्हें और भी कुछ बताने के लिए। मेरे पिछले वाले वीडियो पे किसी ने कमेंट किया है, NDB नॉलेज ने। वैसे ये नॉलेज जिस हिसाब से नाम रखा, नॉलेज खुद के पास होता तो ज्यादा काम देता। क्यों बताता हूँ, इन्होंने कमेंट किया, जोआन डेविलहुट में खुद का विल नहीं होता है, मिथिकल जोआन डेविलहुट में खुद का विल होता है। आओ चलो मैं बताता हूँ। मांगा चैप्टर 1044 खोलना, उसका पेज नंबर 4 में जाना, वहाँ पे साफ साफ इन बुड्ढों में से किसी एक बुड्ढे ने बोला है, ऑल जोआन डेविलहुट हैव ए विल ऑफ देयर ओन। मतलब यह साफ साफ बता दिया है कि सारे जोआन डेविलहुट में होता है, ना कि मिथिकल जोआन या फिर रेयर मिथिकल जोआन में होता है। आई होप तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। खैर अब सीधे हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था, सुप्रीम किंग हॉकी, इसको भी किसी बंदे ने कमेंट करके पूछा था, और पता नहीं बैकग्राउंड में साला बहुत ज्यादा चिड़िया क्यों चहचहा रहे इस दिन दोपहर के टाइम पे। मैं टॉपिक से बहुत ज्यादा भटक रहा हूँ। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। बात करूँ अगर मैं कॉन्करर हॉकी की, या कह लो सुप्रीम किंग हॉकी की। वैसे जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब इसे कॉन्करर हॉकी ही कहा जाता था, पर अब इसे थोड़ा नाम मतलब और ज्यादा तगड़ा दिया गया, सुप्रीम किंग हॉकी, या कह लो कलर ऑफ सुप्रीम किंग हॉकी, बिकॉज ये हॉकी काफी ज्यादा कूल है। वैसे जब ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था ना, जिस हिसाब से बंदे लेटाने के काम आता था, सबसे पहले इसे यूज किया था रेड हेयर सैंक्स ने, जिसमें इसने सी किंग को डराया। उसके बाद भी शायद सैंक्स ने था जब वो वाइल्ड बियर्ड से मिलने जाता है। वैसे सैंक्स के टाइम पे भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिला था, लेकिन रैली ने जब इसे अच्छे से समझाया, प्लस उसने जब यूज भी किया, वो देखने में ज्यादा मजा आया। वैसे मेरा फेवरेट तो वो सैंक्स वाला है, जब सैंक्स जो है वाइट बियर्ड के क्रू में जाता है चलते हुए, और एक एक बंदे को लेटाते हुए जाता है, और मार्को जिस हिसाब से कहता है, और वहां पर वाइट बियर्ड भी उसकी तारीफ करता है। वैसे हाँ, जब सैंक्स ने कॉन्कर हॉकी यूज किया था तो उस वक्त जरा गौर करना, उसके हॉकी से वाइट बियर्ड का सिर तक डैमेज हुआ, तो इससे हमें अंदाजा ये मिल गया था, मतलब ओडा ने फॉरसेडिंग दी थी कि भाई आने वाले टाइम पे ना तुम कॉन्करर हॉकी को एज ए वेपन की तरह भी यूज कर पाओगे। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ बंदों को बेहोश करना है, जैसे अभी एडवांस फॉर्म वाला यूज हो रहा है, वो वाला कह रहा था। वैसे उस टाइम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन एक चीज मैं कहूँ, मुझे हमेशा से ना मेरा फेवरेट जो है ये कॉन्करर हॉकी ही था। वैसे मेरे को 2 साल हो चुके हैं, इन 2 सालों में मैंने कॉन्करर हॉकी पे ज्यादा बात नहीं किया, लेकिन जब भी मैं हॉकी पे बात करता था तो मुझे जो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते थे, पहले लोग जो है कहते थे, अभी के टाइम पे नहीं, आज से 1 से 1.5 साल पहले, कि उनके हिसाब से सबसे ज्यादा यूजफुल तो यार आर्मामेंट हॉकी या फिर ऑब्जर्वेशन हॉकी है। बिकॉज आर्मामेंट हॉकी से तुम किसी को भी डैमेज पहुंचा सकते हो, चाहे वो डेविलहुट यूजर हो या ना हो। लोगिया को तो यार इसी हॉकी से तुम चोट पहुंचा सकते हो। बात करो ऑब्जर्वेशन हॉकी, भाई जिस हिसाब से काटागुरी के टाइम पे फ्यूचर साइड खोला गया था, बहुत ही ज्यादा ऑसम था, तो उसके बाद से लोग ऑब्जर्वेशन हॉकी को भी काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे। बट जब बात आती है ना कॉन्करर हॉकी, मतलब देखने के लिए तो मजा आता था कि ऐसे एक बार मारो भाई आधी आर्मी ढेर, जैसा उसने फिशमैन आइलैंड में किया था, या फिर सैंग जब चलते हुए गया था, या फिर रैली ने जब इसे यूज किया था, चाहे वो कॉन्करर हॉकी क्लासिक क्यों ना हो, डॉफ्लामिंगो वर्सेस लूफी का हो, या फिर काटाकुरी वर्सेस लूफी का हो, या फिर सबसे बेस्ट जो मुझे देखने में लगा था वो था डगलस बुलेट वर्सेस लूफी का, भले वो नॉन कैनन था। तो हाँ तुम सही समझ रहे हो, वो देखने के लिए तो बहुत अच्छा लगता था, पर अगर तुम्हारा सामने वाला ओपोनेंट, भले उसके पास कॉन्करर हॉकी नहीं है और तुम्हारे पास कॉन्करर हॉकी है, बट सामने वाले का विल तगड़ा है, तो वो बंदा बेहोश नहीं होगा। जैसे कि हमें लॉ या फिर बाकी के फोर्थ जनरेशन के जो मेंबर है जिनके पास कॉन्करर हॉकी नहीं है, उनके खिलाफ अगर तुम कॉन्करर हॉकी यूज करोगे वो बेहोश नहीं होंगे, बिकॉज वो इतने भी वीक नहीं है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिसएडवांटेज वाला सीन देखने को मिलता था। तो एक तरह से तुम समझो, जब ये हॉकी को लोग इसी तरीके से ही देखते थे, भाई तुमसे कम विल वाला बंदा है उसको लेटा दो बेहोश कर दो, पर स्ट्रांग विल वाला है उसके सामने आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन ही आएगा। मतलब एक तरह से ऐसे ही दिखाया जाता था कि अगर तुम्हारे से स्ट्रांग बंदा हो या फिर तुम्हारे लेवल का बंदा है, तो उसके साथ ऑब्जर्वेशन या फिर आर्मामेंट हॉकी का ही ज्यादा यूज किया जाएगा। बट अब ऐसा नहीं है। प्लस भाई जब लूफी काटाकुरी को हरा के गया था, एडवांस ऑब्जर्वेशन हॉकी सीख के गया था वानो, और जिस हिसाब से यार वो डॉज कर रहा था ना बुलेट्स को,
वानों में मजा आ गया था देखने में, स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। पर जब काइडो और लुफी का फर्स्ट टाइम फाइट होता है वहां पर भाई, वो काइडो का कुछ नहीं उखाड़ पाता, वो आर्मामेंट हाकी कोटिंग करके काइडो को मार रहा था, काइडो को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, काइडो तो भाई मजे ले रहा था, ऐसे ही पिया हुआ था। फिर एक शॉट मारा राई में हाक के, फिर तो लुफी नहीं उठा, सीधा पकड़ के लेके गया ओडन प्रिजन में डाल दिया। वहां पर हमें जो दिखाया जाता है एक और हाकी, मतलब आर्मामेंट हाकी का एक और वर्जन रियू हाकी, जिससे तुम जो है इंटीरियल डैमेज दे सकते हो, जिस वजह से काइडो को थोड़ा बहुत चोट पहुंचाया जा सकता है, पर इतना भी नहीं, बिकॉज पहली बात तो वो मोटी चमड़ी का बंदा है, प्लस कॉन्करर हाकी कोटिंग करके फाइट करता है। एक तरह से तुम समझो कि भाई काइडो के खिलाफ तुम्हारा आर्मामेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी भाई मजाक है, उसको तुम डैमेज ही नहीं पहुंचा सकते, उसका अटैक भाई ऑब्जर्वेशन हाकी से देखने के बाद भी तुम मुश्किल से डॉज कर पाते हो, काइडो को तो रियू हाकी से खुजली होता है। बट अगर तुम्हारे पास एडवांस कॉन्टर हाकी नहीं है तो एक ऑप्शन है भाई, तुम्हारे पास लॉ का डेविल फ्रूट होना चाहिए, वो भी अवेकनिंग फॉर्म में, उससे तुम किसी भी बंदे को इंटीरियल डैमेज दे सकते हो। और हाँ, रियू से ज्यादा तगड़ा वाला लगता है, बिकॉज लेलिन इसका परफेक्ट एग्जांपल है। पर क्या ये चीज काइडो के खिलाफ ज्यादा काम आएगी? मेरे को ज्यादा नहीं लगता, बिकॉज यार मोटी चमड़ी का बंदा है, प्लस कॉन्ट्रा हाकी भी कोटिंग करके फाइट कर, तो इसके खिलाफ ये ज्यादा काम नहीं आता जितना ये लेलिन के खिलाफ काम आया था, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन जब भाई बात आती है ना एडवांस फॉर्म ऑफ सुप्रीम किंग हॉकी की, तो जरा तुम गौर करना, काइडो ने खुद बोला था, मतलब लूफी को देखते हुए, कि सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो उसको डैमेज करने की या फिर उससे लड़ने की ताकत रखते हैं, और उसमें रॉक्सटी ज़ेबेक था, सैंक्स था, व्हाइट बियर्ड था, रॉजर था और कोजुकी ओडिन था। यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनमें से ज़ेबेक को छोड़ के बाकी सभी कैरेक्टर्स का एक चीज कन्फर्म है, ये सब एडवांस फॉर्म ऑफ कॉन्करर हॉकी जानते थे। अब ज़ेबेक के पास भी होगा नो डाउट भाई, वो बंदा स्ट्रांग होगा, उसको हराने के लिए दो लेजेंड्स ने हाथ मिलाया था, पर मतलब कहीं पे लिख के ये नहीं बताया गया कि ज़ेबेक के पास भी कॉन्करर हॉकी था, तो लेकिन मैं उसको मानता हूँ 100% यार उसके पास होगा कॉन्करर हॉकी। डी क्लैन का बंदा था, प्लस जिस हिसाब से उसने आज के यॉन्कर्स को अपने कमांडर रखे थे, तो हाँ वो होगा। तुम सबके दिमाग में एक चीज जरूर आ रहा होगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले के टाइम पे ना, मतलब 1000 एपिसोड से पहले, कॉन्करर हॉकी को इतना ज्यादा यूजफुल नहीं समझा जाता था, बस ऐसा समझा जाता था हाँ एक हॉकी है, कॉन्करर हॉकी है, जिससे तुम अपने से कमजोर विल वाले को बेहोश कर सकते हो, प्लस जिसके पास भी ये हॉकी था उन्होंने बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं। एग्जांपल के तौर पे तो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, रॉजर अपना पायरेट किंग था, व्हाइट बियर्ड वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था, लेलिन क्या ही बोलूँ इस बुढ़िया के बारे में, काइडो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड, सैंक्स मरीन फोर्ड में जलवा देख लिया क्या कर सकता है, प्लस इसके कॉन्टैक्ट भी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है यार, उसको आंक नहीं सकते, इसका पावर अभी भी छिपा के रखा गया, ड्रैगन जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का हेड है, ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं यार। और इन सारे ना कॉन्करर हॉकी यूजर्स की तुम एक बात गौर करना, ये डरते नहीं है, भले ही मौत इनके सामने क्यों ना आ जाए, ये लोग मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते। एस को देख लो, वो मरते टाइम भी डरा नहीं था, अब जब एग्जीक्यूट किया जा रहा था वो नहीं डरा था, वो मर जाना चाहता था। अब हम आते हैं एक और कैरेक्टर जिसके पास कॉन्करर हॉकी है लेकिन अभी तक उसको दिखाया नहीं गया, मैं बात कर रहा हूँ यूस्टास किड की। देखो इसने जोक वाले काम किए हैं, मुझे पता है सैंक्स से जाके भिड़ गया था और सैंक्स ने इसका एक हाथ काट के रख लिया था, पर ये बंदा सैंक से जाके भिड़ने में भी नहीं डरा। साथ ही तुम जरा ये देखो ना, लूफी से पहले ये बंदा है जो एक योंको से पंगे लिया था, भले ही उसका नुकसान इसने उठाया पर पंगे तो इसी ने पहले लिया ना। साथ ही जरा तुम देखो जितने भी अब तक वन पीस के वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग पायरेट क्रू हुए हैं, उन सब में ज्यादातर मेंबर उस क्रू के कॉन्करर हॉकी यूजर्स ही रहे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वन पीस के वर्ल्ड के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू की मैं बात करूंगा, रॉक्स पायरेट एंड रॉजर पायरेट्स। सबसे पहले बात करते हैं रॉक्स पायरेट की, इसके क्रू में ज़ेबेक था, अभी तक रिवील नहीं हुआ कि उसके पास कॉन्करर हॉकी था या नहीं था, लेकिन उसके पास होगा। बात करूं व्हाइट बियर्ड कन्फर्म, लिलिन कन्फर्म, काइडो कन्फर्म, सिक्की का अभी तक पता नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है जहां तक सिक्की के पास भी कॉन्करर हॉकी हो सकता है, बिकॉज जिसने चैप्टर जीरो पढ़ा है उसे पता है कि सिक्की ने रॉजर के खिलाफ क्या किया था, भले वो फाइट नहीं दिखाया गया पर हाँ वहां पे साफ साफ पता चलता है कि सिक्की काफी ज्यादा स्ट्रांग था और जिस मुसीबत पे डाला था उसने रॉजर को, मतलब उस फाइट के दौरान ना ऐसा सिचुएशन था यार कि वो फाइट सिक्की ही जीतता, पर कुछ कारणों की वजह से वो फाइट ड्रॉ में खत्म हो जाता है। अगर समुद्र में सुनामी नहीं आता ना तो सिक्की शायद जीत जाता। अगर मैं सिक्की की और भी ज्यादा बात करना चाहूँ तो भाई ये बंदे को हराने के लिए गार्प और सेंगोकू को हाथ मिलाना पड़ा था, मतलब वो दोनों साथ में फाइट किए थे और आधा मरीन फोर्ट तबाह हो गया था, उसके बाद जाकर के ये बंदा गिरा था, अभी भी ये इम्पेल डाउन से बाहर निकला हुआ है और ये अभी भी आजाद है। वैसे जो लोग स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड देखे हैं वहां पे सिक्की का मजाक बना था, वो ऐसे भी नॉन कैनन है,
तो उसको जो है सीरियसली मत लेना, असली वाला अगर सिक्की होता तो हाँ लूफी को उस दिन गाड़ दिया रहता। अब यार बात करते हैं रॉजर पायरेट की। तो रॉजर पायरेट में भी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रा हॉकी यूजर्स थे। देखो फैंक्स उस वक्त बच्चा था, उसका कॉन्ट्रा हॉकी भी शायद एक्टिव नहीं हुआ होगा, और बग्गी का अभी तक कंफर्म नहीं है भाई, बग्गी का अभी तक छिपा के रखा उड़ाने। बट स्कॉपर गबान जिस हिसाब से यार वो ओडियन के साथ 3 दिन 3 रात तक लगातार फाइट किया था ना बिना रुके, तो बिना कॉन्ट्रा हॉकी के मजाक का बात नहीं। बिकॉज जब वो काइडो के साथ फाइट करता है तो वो अपने स्वॉर्ड में कॉन्ट्रा हॉकी कोटिंग करता है और उससे वो जाकर के काइडो को कट मारने में कामयाब हो जाता है। तो क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि गवान और ओडेन के बीच के फाइट में भी कॉन्ट्रा हॉकी यूज हुआ होगा? लेकिन अगर हुआ भी होगा ना इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जिस लेवल का दो मॉन्स्टर्स आपस में कॉन्ट्रा हॉकी क्लैश कर रहे थे उस वक्त उसको कौन ही ज्यादा ध्यान दे रहा था। तो हाँ यहाँ पर हो सकता है हमें गवान को जो हाइड किया जा रहा है कि हो सकता है उसके पास भी कॉन्ट्रा हॉकी हो, बट रैली का कंफर्म है और आगे जाकर के ओडेन भी इनके क्रू में आ ही गया था। वैसे तुम ना यहाँ पे समझो द सुप्रीम किंग हॉकी ये कोई मजाक नहीं है, खासकर तो जिस भी कैरेक्टर के पास ये होता है ना वो आगे जाके बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है। अगर एस भी जिंदा बचता ना वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका होता। हो सकता है वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को लीड कर रहा होता, हो सकता है वो आने वाला नेक्स्ट कैप्टन होता व्हाइट बियर्ड पायरेट का, बिकॉज वो रॉजर का बेटा था प्लस उसके पास भी कॉन्ट्रा हॉकी था। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था और ओडा ने उसे मार दिया, लेकिन वो आगे जाके बहुत ही स्ट्रांग बंदा बनता ये हमें पता है, और वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बनता। हाँ मुझे पता है तुम सब अब किसके बारे में सुनना चाहते हो, मुझे पता है यार, मैं बात करने वाला हूँ लूफी की। देखो लूफी भी कॉन्ट्रा हॉकी के साथ ही पैदा हुआ था और उसके पास भी कॉन्ट्रा हॉकी है, और ये चीज हमें काइडो और लूफी के फाइट में देखने को मिलेगा। एनिमे वॉचर्स को मैं बता दूं और मांगा रीडर्स तो देख चुके हैं, प्लस जो मांगा रीडर्स हैं उन सबको पता है जब लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन हुआ था उस वक्त भाई भारी मात्रा में कॉन्ट्रा हॉकी उसके अंदर से निकला था, और जिस हिसाब से वो काइडो के खिलाफ एडवांस कॉन्ट्रा हॉकी लेके ही फाइट कर रहा था अवेकनिंग होने के बाद भी, भाई काइडो को डैमेज पहुंचाना है तो तुम्हारे पास एडवांस कॉन्ट्रा हॉकी जरूर होना चाहिए, वरना तुम इसका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अभी तक अगर तुम मेरे से पूछो कॉन्ट्रा हॉकी ने क्या दिया है वन पीस के पावर सिस्टम को, तो भाई देखो अगर तुम्हारा विल काफी ज्यादा तगड़ा है, मतलब ऐसे बंदे हो जिसको देख के दुनिया खौफ खाती है और सामने वाले का विल बहुत ज्यादा कमजोर है, तो आराम से भले ही आर्मी ही क्यों ना हो तुम उन सबको एक ही शॉट में सुला सकते हो। सेकंड चीज बाय डैमेज पहुंचा सकते हो, वो भी उन जैसों को, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या फिर लिविंग थिंग हो, तुम उन्हें डैमेज पहुंचा सकते हो बस अपने कॉन्ट्रा हॉकी से। थर्ड, तुम अपने स्वॉर्ड में भी कॉन्ट्रा हॉकी कोटिंग करके फाइट कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे जोरो और ओडेन, और हाँ रॉजर को कैसे भूल सकते हैं। फोर्थ, अगर तुमने एडवांस कॉन्ट्रा हॉकी कोटिंग करके रखा है फिर भाई सामने वाले को भी तुमको डैमेज पहुंचाने के लिए ना उसको एडवांस कॉन्ट्रा हॉकी कोटिंग करना पड़ेगा, तब जाके वो तुमको डैमेज कर सकता है, वरना उसके पास एक तो उसको रिव्यू आना चाहिए या फिर इंटीरियर डैमेज देने वाला और जुगाड़ होना चाहिए, तब जाकर के तुमको डैमेज पहुंचेगा, वरना घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। वैसे जहां तक मुझे लगता है अभी शायद कुछ और बताने के लिए रह नहीं गया है, और अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स है पूछ सकते हो, और अगर तुम ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दो प्लस वीडियो को लाइक मारो, और हाँ यार इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ बेल आइकन को भी ऑन कर देना जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हें नोटिफिकेशन चल जाएगा। और यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।